अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और आज हम वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन के इस वीडियो के अंदर CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो असाइनमेंट है उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है, क्योंकि बाकी मैंने देखा है यूट्यूबर्स ऐसे हैं बहुत अच्छा समझा रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपको बताने या आपको ये तरीका नहीं बताया है कि आपने ड्रॉ किस तरह करना है एमएस वर्ड के अंदर। जो आपको लिंक दिया हुआ है वो पेड लिंक है, यहाँ मैं आपको दिखा भी देता हूँ कौन सा लिंक आपके साथ शेयर किया हुआ है, क्योंकि ये पेड लिंक होता है और इसमें डॉलर्स की फॉर्म में या फिर आपको देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर इस वेबसाइट पे आप इससे बेहतर है कि आप एमएस वर्ड में इसको बना लें। कैसे बनानी है इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर मैं आपको सॉल्यूशन के साथ साथ बनाना कैसे है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। मैं आपको ये पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि ओवरऑल बहुत टाइम लग जाएगा, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। इसका ओवरऑल मतलब ये है कि एक ऑनलाइन शॉप है, ऑनलाइन शॉप में से एक एडमिन होगा जिसने हर चीज़ को देखना है। एक कस्टमर वहाँ पर जाता है और जाने के बाद वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को देखेगा और उसके बाद सेलेक्ट करेगा जी मैंने कौन सी चीज़ जो है वो लेनी है। तो ये इसी के वाले से कह रहा है, आपने इसका जो है वो एक सिस्टम बना के देना उनको, एक क्लासेस की फॉर्म में, एक टेबल की फॉर्म में आपने उनको एक सिस्टम बना देना है। आपने बनाना कैसे है ये हम इंशाल्लाह इस पर जो है बात करते हैं। देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बना लिया और बहुत ज़्यादा टाइम लगा है मुझे आप लोगों के लिए बनाने के लिए, तो काइंडली मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि इससे मेरा फ़ायदा भी हो जाए, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है आप लोगों के लिए ये स्पेसिफिक जो असाइनमेंट है इसका सोल्यूशन बनाने के लिए। आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने इसी तरह ये जो है बनाना है। यहाँ पर बस आप अपनी आईडी पासवर्ड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए इसलिए सोल्यूशन वगैरह नहीं लिखा क्योंकि ये बार बार जो है वो इसका टेबल नीचे चला जाता है और उसकी अरेंजमेंट ख़राब हो जाती है जो मैंने आपको दिखानी होती है, तो फिर फ़ायदा ही नहीं होता। सबसे पहले तो आप देखिए आपने इसको एज इट इज़ उठा के लिखना है, आप इसको बस आपने डायग्राम को खुद बनाना है, आपने डेटा एज इट इज़ उठा के लिखना है क्योंकि आपकी जो सोल्यूशन है वो आपका यही रहेगा। अब यहाँ पे यूज़र लिख लें, उसके बाद आप किसी भी तरह उसको हाईलाइट कर सकते हैं। हाईलाइट कैसे करना है, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखें मुख्तलिफ किस्म का है। अब मैं इसको येलो कर सकता हूँ, मैं इसको ग्रीन कर सकता हूँ, मैं इसे जो है वो ब्लू या स्काई ब्लू कर सकता हूँ, पिंक कर सकता हूँ, ये मेरी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो आपने सेलेक्ट करना है, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप इसको करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस डेटा को भी आपने इसी तरह ही सेलेक्ट करें। अब यहाँ पर ये आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ से किसी किस्म का भी डेटा जो है इसके लिए आप सेलेक्ट जो है वो इसको हाईलाइट कर सकते हैं। आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, नहीं करना तो ये भी आपकी मर्जी पर जो है वो डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन देता है, जिस तरह मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर जो है कोई डेटा भी टाइप भी कर सकते हैं, ये आपके पास ऑप्शन होती है, ठीक है। तो ये डेटा तो आपने एज इट इज़ लिखना है, ये डेटा आपने चेंज नहीं करना है। उसके आगे देखें जी यहाँ पर ये देखें ये एरो कैसे आता है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ये लाइंस कैसे एमएस वर्ड के अंदर आप ड्रॉ कर सकते हैं ये इंशाल्लाह मैं आगे जाके वीडियो में आपको बताता हूँ। अभी बहरहाल मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि आपने लिखना क्या क्या है, आपने करना क्या क्या है काम। तो देखें वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ये एडमिन होगा, एडमिन आपका जो है वो यूज़र को भी देख रहा होगा, कस्टमर पीपल्स आपके पास आएंगे वो आपको जो है वो कुछ भी व्यू करते हैं। तो ये सारा डेटा आपने एज इट इज़ जो है वो आपने लिखना है, इसमें आपने किसी किस्म की चेंजिंग नहीं करनी है। हाँ यहाँ से फ़र्क आता है कि आपने डेटा खुद से क्रिएट किया है, खुद बनाया है या नहीं बनाया है। तो ये देख लें बस यहाँ पे आप इसको डेटा एज इट इज़ आपने उठा के लिख देना है। आप यहाँ पर जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपने स्क्रीनशॉट को इस्तेमाल नहीं करना है, आपके नंबर जीरो आ जाएंगे। आप इसको खुद क्रिएट करें, खुद बनाएं, देन आपको नंबर मिलेंगे। बहरहाल इतने से क्लिप में मैंने आपको बता दिया कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और ये जो आपके पास डेटा है जो मैंने आप लिखा हुआ है व्यू केड और व्यू प्रोडक्ट और एड प्रोडक्ट, फिर इसके बाद डेल प्रोडक्ट अगर डिलीट करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन शॉप है, ऑनलाइन शॉप में आप अपनी पिक्चर्स लगाते हैं, एडिट करते हैं, व्यू करते हैं, मैनेज करते हैं, कन्फर्म करते हैं जी हाँ जी मैंने कन्फर्म इसको जो है वो अपलोड करना है। तो ये तमाम चीज़ें आपका एडमिन जो है वो कंट्रोल कर रहा है, तो इसको आपने चेंज नहीं करना है। उसके आगे देखें जी यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ये इस तरह का कुछ डेटा लिखा हुआ है, इसमें हमने व्यू और बाय यानी कि आपका जो कस्टमर है वो आपकी प्रोडक्ट को देखता है या बाय करता है, फिर है आपने रखा क्या क्या है उसमें ये आपका डेटा लाई करेगा, मेक्स आप क्या क्या बनाते हैं, पेमेंट आपकी क्या है, उसके अंदर आपका जो डेटा है वो आ जाएगा। तो यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको स्क्रीनशॉट को एज इट इज़ आपने डेटा जो है वो लिख देना है, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपका डेटा आप उसको लिख लें और यहाँ से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें इसी फॉर्म में। मैं इसका एक दफ़ा शॉर्ट फॉर्म भी आपके लिए कर देता हूँ ताकि आपको किसी किस्म का मसला ना हो और आप जो स्क्रीनशॉट लें उसमें आप इसको बड़ी आसानी से जो है वो बना भी सकें। ये देख लीजिए मैंने आप लोगों के लिए इसको शॉर्ट कर दिया है। इस तरह का कुछ डेटा आपने करना है भाई और इसी तरह का आपने बनाना भी है। अब हम ओरिजिनल बेसिक काम की तरफ चलते हैं कि आपने ये डेटा बनाना किस तरह से है। ओके ठीक है जी, अब मैं आपको जो है वो बेसिक काम की तरफ लेके जा रहा हूँ कि आपने ये डेटा बनाना किस तरह से है।
फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ ताकि आपको किसी भी किस्म का जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए या आपको चीज़ छोड़ ना दें, इसलिए बार बार आपके साथ ये शेयर किया जा रहा है कि आपने इस तरह ही डेटा लिखना है। मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जहाँ पे मैंने आपको जाके ये बताना है कि आप डेटा बनाएंगे इस तरह। देखिए जी, सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट है, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास टेबल आ जाएगा। आप अपने टेबल को आप किसी भी तरह जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं या किसी भी तरह इसको जो है वो शेप दे सकते हैं इस तरह। ये देखिए आप इसको शेप दे दें, उसके बाद ड्रॉ टेबल पर जाएं। थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी लेकिन आपको नंबर भी जो है वो फिर मिल जाते हैं। आप यहाँ पे जाएं दोबारा से इंसर्ट पे टेबल में जो है वो क्लिक करें, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करें और यहाँ पर आप एक लाइन लगा दें तो देखेंगे आपके सामने वही डेटा बन गया, वही शेप बन गया जो आपने कुछ यहाँ पर इस तरह की बनानी है। उसके बाद आप क्या करें यहाँ पर, अब आपने जो कि लिखना है आप कोई भी यहाँ पर चीज़ लिख सकते हैं, कार्ड वगैरह, एडमिन वगैरह, तो ये आपकी मर्जी पर जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। उसके आगे देखिए ये अब आप इस तरह की डेटा आपने इसको खुद से बना लेना है, सारा कुछ आपने इस तरह जो है वो कर लेना है। अब हम बात करते हैं ये लाइंस हमने किस तरह लगानी, जो मैंने यहाँ पर लाइंस लगाई हुई हैं, और ये जो आपके पास पिक्चर्स हैं ये आपके पास पिक्चर्स किस तरह से आएंगी। तो दोबारा मैं दूसरी स्क्रीन के ऊपर चलता हूँ, तो ये देखिए अब आपने लाइन लगानी है। दोबारा इंसर्ट में जाएं और यहाँ पे जाने के बाद शेप्स में जाएंगे तो यहाँ आपके पास लाइंस आ जाएंगी। इसको बस आपने सिंपली सा ड्रॉ कर लेना है। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने लगाता हूँ, ये आपने एक लाइन लगा दी है, इसी तरह से आपने जो दूसरी लाइंस लगानी है वो आप कैसे लगाएंगे, दोबारा से इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स में जाएं, दोबारा लाइन पे क्लिक करें। ये देखें आपने एक इस तरह लाइन लगाई, उसके बाद दोबारा आप जाएंगे एक लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप इस तरह करेंगे, दोबारा देखें आप लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और एट द एंड आप इस तरह करेंगे। तो ये वो वाली शेप है जो आपने यहाँ पर कुछ इस तरह की जो है वो बनाई हुई है। ये देखिए ये आपके सामने ये जो शेप आ रही है ये वाली चेक करें, समझ रहे हैं। तो ये वाली तमाम तर शेप आपने इस तरह से जो है वो क्रिएट करनी है अपनी एमएस वर्ड के अंदर। उसके आगे देखिए अब आप जो है वो एरो लेकर आना चाहते हैं तो ये आपके सामने वो है, इसको आप इस तरह करें। लेकिन आपने क्योंकि इसके अंदर डेटा लिखना है तो आप यहाँ पर ए बी सी पे ब्लैंक पे क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करें और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऐड टेक्स्ट का, ऐड करेंगे तो आप कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने आपके सामने डेटा जो है वो लिख दिया है। इस तरह से ये आपकी वो स्क्रीन है जहाँ पर आपने यहाँ पर ये डेटा जो है वो लिखना है। सॉरी, ये देखिए ये असाइन ऑर्डर है, इसके अलावा व्यू बाय है, हैज़ है, यहाँ पे भी आपको चूंकि आप जब आप टेबल बनाएंगे तो आपको वो अपने आप ऑप्शन दे देगा जहाँ पे आपने प्लस वन और मैनेज वगैरह लिखना है, ये तो आप उसको एज इट इज़ भी उठा के लिख सकते हैं, इसकी कोई इतनी इशू या इसका कोई इतना इशू जो है वो नहीं होता है। उसके आगे ये वाला टेबल आप कैसे क्रिएट करेंगे, दोबारा से आप जो है वो इसी मैं आपको इसी टेबल पर एक जो है वो दिखा देता हूँ, बाकी आपने करना ये खुद है, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है लेकिन अब आपने करना है इसको, डेफिनेटली आपकी असाइनमेंट आई हुई इसको आपने फुलफिल करना है। तो यहाँ पर देखिए आप दोबारा इंसर्ट वाले टैब में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, ड्रॉ टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप जो है उसको ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे आप किसी भी किस्म का डेटा जो है वो लिख सकते हैं और यहाँ पे भी आप किसी तरह का डेटा लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। जो आपको पहले चीज़ दिखा दी है आपने वो स्क्रीनशॉट ऑलरेडी लिया होगा, वहाँ से आप बड़ी आसानी से अपना डेटा जो है वो लिख लेते हैं। उसके आगे देखिए तो इसके अंदर कोई नई शेप नहीं है, इसी शेप्स को यूटिलाइज करके आपकी असाइनमेंट्स बनाई गई हैं। तो होपफुली जी मैंने आपका एक कॉन्सेप्ट जो है बड़ी इस तरह क्लियर कर दिया होगा। एमएस वर्ड के अंदर थोड़ा सा मेहनत वाला काम है, मैं दोबारा कहूँगा, और आपने याद रखना है कि आपने यहाँ पर अपनी असाइनमेंट या अपनी आईडी ज़रूर लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं क्लिक करता हूँ, ये आपका हेडर में चला जाता है, आप नीचे क्लिक करें तो यहाँ पर आपके सामने कोई भी आपकी है BC200098 ये वर्ड आप कुछ भी लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर लिखिए, उसके बाद अपनी असाइनमेंट को जो है वो सबमिट करवाएं ताकि आपके जो सर हैं आपके जो व्यू के सर हैं उनको ये पता लगे कि वाकई आपने असाइनमेंट खुद क्रिएट की हुई है, आपने असाइनमेंट खुद से बनाई हुई है, फिर ही आपको नंबर मिलेंगे। दोबारा एट द एंड ऑफ द वीडियो आप असाइनमेंट देख लीजिए एक दफ़ा, यही डेटा आप एज इट इज लिखेंगे, इसी तरह का जो आप डेटा है वो आप क्रिएट भी करेंगे। ओके जी, ये आपकी असाइनमेंट थी, मुझे इजाजत दें, थैंक यू सो मच, यहीं तक आपकी वीडियो थी। और आप यकीन करें बहुत मेहनत लगी आपके लिए ये वीडियो में जो है वो असाइनमेंट का पेज तैयार करने के लिए, तो मेरी इस वीडियो को लाइक प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो आप सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह आपको बहुत सारा कॉन्टेंट आने वाले दिनों में मिलता रहेगा और इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट होगा, क्विजेज़ आपके साथ शेयर किए जाएंगे, असाइनमेंट्स जड़ी भी तमाम तरह चीज़ें, फाइनल टर्म की तैयारी, मिड टर्म की तैयारी भी आपके साथ इंशाल्लाह इसी चैनल पर जो है वो शेयर की जाएगी। थैंक यू सो मच, इजाजत दें इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी असाइनमेंट इंशाल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट भी कर लेंगे और बना भी लेंगे। किसी चीज़ की नहीं समझ आई मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।